यमुनानगर के दड़वा डायरी कॉम्प्लेक्स में काम करने वाले एक नौकर को 30 ग्राम हीरोइन के साथ एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने गिरफ्तार किया है। एसपी मोहित हांडा के निर्देश पर यह कार्यवाही की गई। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपी पिछले 2 साल से नशे का कारोबार कर रहा था। सेल के इंचार्ज प्रमोद वालिया ने बताया कि उनकी टीम को सूचना मिली कि एक युवक दड़वा डायरी कॉम्प्लेक्स में नशीले पदार्थ बेच रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर सब इंस्पेक्टर सतीश कुमार, राजकुमार, संजीव गुरप्रीत, महिला पुलिसकर्मी सरस्वती देवी की टीम का गठन किया गया। टीम ने मौके पर जाकर वहां घूम रहे युवक को गिरफ्तार किया। मौके पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट खेली भाग के कोच जोगेश कुमार को बुलाया गया, जिसके सामने पकड़े गए युवक की तलाशी ली तो उसके पास से 30 ग्राम हीरोइन बरामद हुई, जिसकी पहचान पंजाब के लुधियाना निवासी रवि के नाम से हुई। आरोपी दड़वा डायरी कॉम्प्लेक्स में रहकर डेयरी पर नौकरी करता था और मैं पिछले 2 साल से लगातार नशे का कारोबार भी कर रहा था। आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मिली थी सुबह मॉर्निंग में ही कि रवि कुमार है, जो एक नवी को लड़का है और दड़वा में है, जो डेयरी कॉम्प्लेक्स है उसके एरिया में नशे का कारोबार कर रहा है। तो उस पर हमने मुकुर के आधार पर रेड की और उस को काबू किया। काबू करने के बाद मौके पर मजिस्ट्रेट को बुला के उसकी तलाशी कराई गई, जो युवक के कब्जे से 30 ग्राम हीरोइन बरामद हुई है और उस पर FIR दर्ज कर दी है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कहाँ से ले गए थे, क्या कुछ मिला? ये अभी पूछताछ चल रही है और मैं आपको बताना चाहूँगा सभी यमुनानगर जिला वासियों को, मान्य पुलिस निरीक्षक श्री मोहित हांडा जी के सख्त निर्देश हैं, जो भी नशे का कारोबार कर रहा है उसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और उस पर जो भी कार्रवाई होगी उसकी वो की जाएगी। और नशे के कारोबारियों को एक और मैं पत्रकार के मध्य से सूचित करना चाहता हूँ, जो ये कारोबार कर रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी को भी किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा अगर नशे से इन्वॉल्व हुई तो। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।